हेलो गाइस, तो टेक्निकल ओवर्स क्या हाल चले। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले कि मोबाइल में आपको यहाँ पर कांटेक्ट नहीं बता रहे तो किस तरह से यहाँ पर आप लोग शो करेंगे, आपके जितने भी मोबाइल में कांटेक्ट है आपके मोबाइल में किस तरह से आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर डायल कॉल में हूँ और ये देखिए यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट में हूँ। तो देखिए यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पर नहीं बता रहा है दोस्तों। इसके रीज़न दो हो सकते हैं, एक तो आप लोग ने सेटिंग से कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम किया होगा या फिर कुछ हमारी सेटिंग होती है वो हमें सही से करनी होती है। तो चलिए दोस्तों, किस तरह से इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके मोबाइल के सेटिंग के अंदर इंटर होना है। तो चलिए यहाँ पर मैं मेरे मोबाइल के सेटिंग के अंदर इंटर हो जाता हूँ। जैसे ही दोस्तों इंटर होंगे, यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ आपको ऐप्स ऑप्शन देखना है कहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे ऐप्स ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इस ऐप्स ऑप्शन को ओपन करके लेना है। चलिए इसे हम लोग ओपन करके ले लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स करके एक ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको क्या करना है, मैनेज ऐप्स ओपन करके ले लेना है और सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आप लोग देख रहे हैं फोन, कॉन्टैक्ट, यूट्यूब। तो देखिए यहाँ पर मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको देखना है कि कॉन्टैक्ट कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट दिख गया है, तो आपको भी देखना है कॉन्टैक्ट कहाँ पर है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन को ओपन करके ले लेना है। चलिए इसे हम लोग कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन को ओपन करके ले लेते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है परमिशन का। तो अभी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको परमिशन ऑप्शन में इंटर होना है। चलिए यहाँ पर मैं परमिशन ऑप्शन में इंटर हो जाता हूँ। परमिशन में दोस्तों आप लोग ने देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये आपने डिने करके रखा है, तो इसलिए आपके कॉन्टैक्ट वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पर डिने है, तो हमें इसे अलाउ कर देना है। इस तरह से दोस्तों करने के बाद हमारे सारे कॉन्टैक्ट मोबाइल में आ जाएंगे। अगर दोस्तों ये सेटिंग होने के बाद भी आपके कॉन्टैक्ट नहीं आ रहे, तो देखिए आपको क्या करना है, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं सेटिंग में चले जाता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे कुछ भी कॉन्टैक्ट यहाँ पर नहीं आए, लेकिन ये दोस्तों यहाँ पर ये नॉर्मल प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर ये सेटिंग होने के बाद दोस्तों अगर आपके कॉन्टैक्ट नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, थ्री डॉट दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट में आना है और कॉन्टैक्ट में आने के बाद थ्री डॉट दिख रहा है, तो थ्री डॉट को क्लिक करना है और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट मैनेजर का एक ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट मैनेजर को ओपन करके ले लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले, मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले के अंदर इंटर होना है। जैसे ही इंटर होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको फ़ोन सिलेक्ट करना है इस तरह से। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही फ़ोन मैंने सिलेक्ट किया, सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ चुके। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोग थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट टू ऑल डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, अगर आपके जो भी आपके कॉन्टैक्ट है वो ईमेल आईडी में सेव है, तो आपको क्या करना है, ईमेल आईडी के इसके ऊपर क्लिक करना है, सारे कॉन्टैक्ट आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टैक्ट आप लोग किस तरह से आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।